तो भाई आज हमारा 8th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड मिल रहा है। वैसे तो हमें प्रमोट कर दिया था, पर यूनिवर्सिटी को लगा कि प्रमोट नहीं करना चाहिए, तो प्रमोट करने के बाद फिर हमारा 8th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा ट्यूसडे से। तो आज एडमिट कार्ड मिल रहा है और ये हमारा पीछे कॉलेज और आरोग्य सेतु ऐप, सोशल डिस्टेंसिंग और यहाँ पर लगा भी रखे हैं जो हम आपको दिखाएँगे आगे कॉलेज के, और फिर वहाँ से दिखाएंगे। और यहाँ पे अपना इसी में जाना है ना भैया? क्या हुआ, फ्यूज हो गया क्या? तो भाई दम तोड़ दिया। चल रहा है ये? ऑफ था, चालू हो रहा है दूसरे वाले में। सेकंड वन, हाँ हुआ हुआ, ठीक है। ये हमारा कॉलेज सिक्योरिटी स्टाफ ये वाला है, और हम इसमें जाने वाले हैं ऑडिटोरियम में, रमन भारद्वाज एंड ललित कुमार। तो जा रहा हूँ बस ऑन द वे, ऑफ सिक्योरिटी देख रही हूँ इतना सारा है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इसके कारण है। सम पीपल स्टेयरिंग में लाइक दे हैवंट वॉच्ड माय वीडियो ऐप, पर ठीक है, अपनी पब्लिसिटी हो रही है। क्लिप का कॉल आ रहा है, फिर बात करता हूँ। ये हमारा ऑफिस, यहाँ पर एडमिशन होता है। मैं जाना है ऑडिटोरियम में, और ये मेरे को एक और का लेना है क्योंकि वो भी मेरा कई बार ले लेता है, तो म्यूचुअल ना अंडरस्टैंडिंग के कारण दोनों एक दूसरे का ले लेते हैं। तो बस ऑडिटोरियम भी दिखाएंगे हम आपको आज कॉलेज में। अंडरटेकिंग फिल करने के बाद मुझे मिल गया साफ फीलिंग, आई हैव गॉट माय एडमिट कार्ड एज वेल एज खिलित एडमिट कार्ड। हाँ, और आपको मैं सोचा एक अच्छे से ऑडिटोरियम दिखाता हूँ, बहुत रिस्क पे कर रहा हूँ भाई, फैकल्टीज में देख लेना फिर बोलेंगे एग्ज़ाम है और ये लड़का तो कोई समझता नहीं, हमारी हॉबी हो चुकी है ऐसा कर। और वो जो मैं वहाँ बैठी हैं वही सबको दे रही हैं, बाकी और भी फैकल्टीज थी, बट इस टाइम पे सिर्फ एक ही बच्चों का नहीं करना, 9th सेमेस्टर वालों का, तो वो दे रही है। ओ सॉरी, 9th सेमेस्टर में, पर 8th का एग्ज़ाम प्रमोट करने के बाद भी सबको ले रहे हैं कोरोना वायरस के कारण। यहाँ से एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर कोई एक दो बुक मिल जाए, एक ऑथर की देखी है, देखते हैं क्या होता है। वैसे बुक तो है अपने पास, पूरा एम्प्टी है आज, वो सब 9th सेमेस्टर वाले जो 8th का एग्ज़ाम देंगे सारे सारे वही लेंगे। BLLB वाले भाई बहुत ज़्यादा फर्स्ट है, अपना बैग लाइब्रेरी के बाहर रहते हैं। तो ये मेरी क्लास थी हाँ 8th सेमेस्टर में, उसके बाद ये लॉकडाउन आ गया, ताला बंद है तो खुल के दिखाते, ये रूम याद तो हो गई। अपना कॉरिडोर भाई बहुत मज़े किए हैं यहाँ पर हम लोगों ने। ये बी सेक्शन इसमें बैठे, और ये अभी हम उस साइड थे, लाइब्रेरी वाइब उस साइड था, अब हम इस साइड आ गए हैं। और ये पूरा ओपन कॉरिडोर है, आप कहीं पे भी घूम सकते हो, पर टोकते बहुत है जब रेगुलर क्लासेस होती है, कोई घूम नहीं सकते यहाँ पे, डांटते हैं तो सब आ जाते हैं सीधी। और ये पूरा वहाँ तक वो गोल, और सारे फ्लैट व्लैट बन रहे हैं। और एक चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगी ना भाई, कि अभी मैंने आते वक्त मैं आता 131 में नरेला वाली, तो वही आते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, तो उसमें आते वक्त देखा भाई जो नेशनल हाईवे है ना, क्या बना दिया, बिल्कुल ब्रॉड ब्रॉड रोड्स बना दिए हैं। नितिन गडकरी जी, रेलवे एंड रोडवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट दैट, वी नीड सच लीडर्स। और अपना ग्राउंड राउंड देख लो, कोई मुझसे पूछा था स्पोर्ट्स का ग्राउंड राउंड है भाई, इतने ग्राउंड देख लेना, बाकी एक है अपना लेके जाते हैं, इनका अरेंज करते हैं वो है। और क्रिकेट में हमारा कॉलेज कई बार ट्रॉफी भी ला चुका है, ये है, पढ़ाई में भी ठीक है। और ये BBA का तो टॉप कॉलेजेस में है इंडिया के। अब हम जहाँ जा रहे हैं, ये है हमारा वॉशरूम, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, ये है हमारा वॉशरूम। ये भाई चीटिंग का तो जुगाड़ सोचो मत, यहाँ पे क्या क्या है, छोटे छोटे जीरो जेरोस बनवा के यहाँ पे
बहुत छोटे छोटे कॉपी पेस्ट की तरह होते हैं, बहुत छोटे कर करके यहाँ पर पड़े होते हैं। पर इस बार एक्सटर्नल हमारा पहली बार कॉलेज में एक्सटर्नल होने में बताना भूल गया था। बस यहाँ के भी बहुत मेमोरी है भाई। तो दिवाली आएगी बीच में, पर हमारा एग्जाम आते जाएगा बीच में। दिवाली आएगा उसको पास करके चलता रहेगा। पहले भी 2 दिन पहले भी एग्जाम है, 2 दिन बाद भी एग्जाम है। तो हमारा 16 को लास्ट एग्जाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16 को लास्ट एग्जाम है। उसके बाद फिर 10 दिन के अंदर वाइवा होगा और फिर नेक्स्ट एग्जाम हो जाएगा 9th सेमेस्टर के स्टार्ट और फाइनल। और इसमें अगर हम फेल हुए तो आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या होगा हमारे साथ। तो भैया इस बार अगर फेल हुए, इसमें अगर कोई भी हुआ हमारे सेमेस्टर वाले में से, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसको 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा देना, पर फीस अब नेक्स्ट ईयर होगा। फीस का मुझे कंफर्म यहाँ पर शायद होता है क्योंकि ये फाइनल सेमेस्टर है, फाइनल ईयर ही है और इसमें 9th सेमेस्टर है। अगर इसमें आप फेल हुए थे तो नेक्स्ट ईयर बैक आएगी आपकी, दोगे नेक्स्ट और नेक्स्ट मतलब 6th ईयर में दोगे, तो 5 साइकिलो आपकी 6th होगी। ईयर गया आप पैसे भी जाएंगे और जो मेंटल होगा फैमिली में तो बहुत सोच समझ के जो होगा देगा। पीछे मैंने सोचा अच्छा बैकग्राउंड आएगा तभी मैंने यहाँ पे देखा तो बड़ा बकवास बैकग्राउंड है, पूरा वाइट सा है, कुछ क्लियर नहीं, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई। ये अपना पीछे का जो भी है कॉलेज वाला सीन है। तो पीने का जुगाड़ नहीं, मतलब पानी तो आता है आप पी सकते हो, तो यहाँ पे गिलास उस टाइप का फैसिलिटी नहीं है, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। मस्त फीलिंग आ रही है भाई, और ऊपर से मेरे को लग रहा खाली मिल पड़ता ऊपर कोई नहीं भाई। ऐसा है अगर आप 5th ईयर में हो और आप कॉलेज के सारे चीज़ें सुनते हो तो घंटा लो यार तुम भाई। हम जो पी रहे हैं काढ़ा ये सिर्फ फैकल्टीज ही पी सकती हैं, लेकिन हम 5th ईयर में तो इतनी तो स्ट्रेंथ रखते हैं। और हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, वो खुद ही सीख जाओगे 5th ईयर में अगर थोड़ा एक्टिव रहे और रेगुलर आए तो। रेगुलर आना बहुत जरूरी है तभी ये सब चीज़ें आप सीखोगे। और हम अपनी फैकल्टी के सामने लिए हैं किसी में दम नहीं टॉप करे। और मेरी भाई कुछ ज़्यादा ही थोड़ी हो गई है कि मैं अभी जेपी सूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार डिबेट किया कॉलेज में, पर ऐसे ऐसे डिबेट किए हैं कि टीचर तक से डिबेट हुआ, तो अपना थोड़ा हो गया है। और मुझे क्या बताऊँ मैं, मतलब मुझे पॉलिटिकली एक्टिव समझते हैं, काफ़ी समझते हैं और क्या है, हम हैं बिल्कुल हैं, काम करते हैं बीजेपी के लिए भैया, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, युवा के मोर्चा के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है। हाँ थोड़ी एक होनी चाहिए एटीट्यूड। बस दोस्तों अब इस वीडियो को ख़त्म करने का बारी आ गया, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और थोड़ा आगे आगे जाके एंड करेंगे। तो अब तो लास्ट डे था आज कॉलेज का, अब सीधा पेपर होगा ट्यूसडे को।